हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैथ की वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथ के 50 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के एग्जाम में डेली पूछे जा रहे हैं। ये 50 क्वेश्चन मैंने तीन पार्ट में डिवाइड किए हैं। ये पार्ट वन है, इसके बाद पार्ट टू और थ्री आपका अपलोड हो जाएगा कल और परसों में। तो आपको तीनों पार्ट देखने हैं। अगर आप तीनों पार्ट देख लेते हैं तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो जिस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो आपके कवर हो जाएंगे विद सो ट्रिक। तो आप इन तीनों पार्ट को देख लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से वीडियो आपको मिलती रहे मैथ की, रीजनिंग की, ऑनलाइन टेस्ट की, तो नीचे रेड कलर के बटन को दबा करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। आपके पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँचना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, और मैं आशा करता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर समझ में आए तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके कि हाँ आपकी समझ में आ रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी और सी मिलकर इसे 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर इस कार्य को 6 दिन में समाप्त करें कर सकें तो ए तथा सी मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको करा रखे हैं पहले वैसे ही करना है। यानी कि जो जितने दिन में कर रहा है सबसे पहले उसका काम लिख लेते हैं। ए और बी मिलकर 8 दिन में करते हैं, तो ए प्लस बी मैंने लिखा 8 दिन में ही कर लेते हैं। फिर उसके बाद बोला बी और सी इसे 12 दिन में कर लेते हैं, तो बी प्लस सी मैंने लिख दिया यहाँ पे 12 दिन में कर लेते हैं। फिर यहाँ पे बोला ए बी सी यानी 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर इस कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकें तो तीनों मिलकर ए बी सी मिलकर ये 6 दिन में समाप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो ए और सी का बताना है आपको, ए सी मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एक बार देख लेते हैं इसको कैसे करना है। मैंने आपको बताया सबसे पहले आपको टोटल वर्क पता होना चाहिए। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, तीनों का एलसीएम लेंगे। ठीक है, जो जितने दिन में कार्य करता है उनका एलसीएम ले लेते हैं, या फिर कोई भी ऐसी संख्या यहाँ पर रख लीजिए जो इन तीनों से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। ठीक है, वो बड़ी से बड़ी भी हो सकती है, छोटी से छोटी भी हो सकती है। अगर एलसीएम लेते हैं तो आपका क्वेश्चन छोटा हो जाता है। तो यहाँ पर इन तीनों का हमने एलसीएम लिया, कितना आ गया 24। 24 को 8 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम जाएगा, यानी कि ए और बी मिलकर एक दिन में 3 यूनिट वर्क करते हैं। 24 को 12 से डिवाइड करेंगे तो बी और सी का 2 आ गया, यानी कि बी और सी मिलकर एक दिन में 2 यूनिट वर्क करते हैं। 24 को 6 से डिवाइड किया तो ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में 4 यूनिट वर्क करते हैं। तो इससे मुझे पता चलता है कि इनका एक एक दिन का वर्क ये है। बट अब यहाँ पर मुझे पता चला कि ये दो मिलकर वर्क कर रहे थे, ये 3 मिलकर वर्क कर रहे हैं, तो इनका सेपरेट वर्क नहीं पता है मेरे को। मेरे को ये नहीं पता कि ए अकेला एक दिन में कितना करता है, बी अकेला एक दिन में कितना करता है। तो ये हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, अब देखिए मुझे पता है ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में 4 यूनिट वर्क कर रहे हैं। ठीक है, और बी और सी मिलकर एक दिन में 2 कर रहे हैं। अगर मैं बी और सी को माइनस कर दूं ए बी सी के कार्य में से तो मेरे को ए का कार्य मिल जाएगा। तो बिल्कुल ए का कार्य निकालने के लिए इस 4 में से 2 को माइनस कर देंगे तो 2 बचेगा, यानी कि ए एक दिन में 2 यूनिट वर्क करता है। दूसरा कौन है, सी है। तो सी का कैसे निकालेंगे, अब ए बी सी में से अगर मैं ए और बी माइनस कर दूं तो सी का बच जाएगा। तो इस 4 में से 3 माइनस करेंगे तो ए बी सी में से ए बी माइनस किया तो 1 बच गया, यानी कि सी का कार्य 1 आ गया। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो दोनों मिलकर ये 3 यूनिट वर्क करते हैं। तो 24 यूनिट वर्क को करने में कितना समय लेंगे, तो 24 को डिवाइड कर देंगे 3 से, तो 8 डेज लेंगे। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं मैंने लिया है आपका, और आपकी समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आता है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक आपका इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी थी, उसने इसे कुछ चीनी 8% लाभ पर तथा शेष 18% लाभ पर बेच दी। इसे उसे कुल क्रय मूल्य पर 14% का लाभ हुआ। 18% लाभ पर उसने कितनी चीनी बेची, ये आपको बताना है। तो हमारे पास दो तरीके की चीनी है, हम लिख लेते हैं चीनी 1 और चीनी 2। एक पे तो वो 8% का लाभ कमा रहा है, दूसरे वाले पे 18% का लाभ कमा रहा है, और ओवरऑल जो लाभ कमा रहा है वो 14% का लाभ कमा रहा है। इसका मतलब हम यहाँ पे मिक्सचर एलिगेशन वाला ये रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे बीच में कौन सी वैल्यू आती है, जो उन दोनों का मिश्रण बनके जो ओवरऑल उसका लाभ आया वो 14% आया, तो बीच में 14% हमने लिख दिया। इसको अप्लाई करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हम बीच में वैल्यू रखते हैं वो एक से जो बड़ी होती है एक से छोटी होती है। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो आप ये मिक्सर एलिगेशन वाला ये रूल अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से हमने माइनस किया, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस 6 आ गया, 6% ये आ गया। इन दोनों में से माइनस किया तो यहाँ पे 4% आ गया। अब यहाँ पे हम इनका रेशो बना लेंगे, तो रेशो कितना आ जाएगा, 2 से कट जाएगा 2 बार और 2 से कट जाएगा 3 बार, यानी कि 2:3 का रेशो बन गया। तो चीनी 1 का रेशो 2 है और चीनी 2 का रेशो 3 है। पूछा किसका है कि 18% लाभ पर उसने कितनी चीनी बेची, तो 18% लाभ का जो रेशो है वो 3 है।
हमें पता है टोटल चीनी कितनी है, 1000 किलोग्राम है। तो 1000 को हम 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि दोनों का सम कर लेंगे रेशो का, तो दोनों के सम से डिवाइड कर देंगे, निकालने किसके 18%, 18% वाले का 3 रेशो है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1000 को 5 से डिवाइड किया और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 600 किलोग्राम। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए अब यहाँ पे बोला जा रहा है 5 वर्ष पूर्व विनय की आयु विकास की आयु का 1/3 थी। देखिए यहाँ पे जो बोला गया है उसको लिखते हैं बिल्कुल यहाँ तक, 5 वर्ष पहले, ठीक है इसको भी छोड़ते हैं अभी, 5 वर्ष पहले विनय की आयु विकास की आयु का 1/3 थी, यानी कि विकास की आयु का है तो इसका मतलब विकास की 3 हो जाएगी, 1/3 अगर मैं 1/3 लिखता हूँ तो विकास की आयु का 1/3 थी, यानी कि जो विनय की आयु है वो 1 हो जाएगी और विकास की आयु 3 हो जाएगी, ये इनकी आयु का रेशो बन जाएगा। भाई मैं इस क्वेश्चन को इसी तरीके से करता हूँ, अगर आप इसको समझ गए हैं तो आप भी इसे सेकेंड में कर लेंगे जैसे मैं करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर बोला कि विनय की आयु विकास की आयु का, तो विकास की आयु का बोला जा रहा है 1/3, यानी कि 1/3 आपने जो लिखा है इसमें विकास की आयु 3 हो जाएगी और विनय की आयु जिसकी बोला जा रहा है, विनय की आयु विकास की आयु का वो 1 हो जाएगी। ठीक है, तो इनकी आयु का रेशो हमें पता चल गया 1:3 है। ठीक है, विनय की आयु 1 है तो विकास की आयु 3 है। तो बस अगर आपको इतना पता चल गया तो समझिए क्वेश्चन हो चुका है। आपको किसी भी कंडीशन में अगर 1/3 करके बोला जाता है कोई भी वैल्यू, तो जिसकी वैल्यू का ये बोला जाता है ना उसे नीचे वाली का नीचे वाला वो हो जाती है, और जिसका बोला जाता है जैसे विनय की आयु विकास की आयु का बोला जा रहा है तो विनय की आयु 1 हो जाएगी। तो इस तरीके से एज्यूम करते हुए अगर आप रेशियो बना के क्वेश्चन को करते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि अब विनय की आयु 17 वर्ष है, तो विनय की आयु अगर अब 17 वर्ष है, हमें विनय की आयु का 5 वर्ष, ये 5 वर्ष पूर्व का रेशो बना है, तो ये 5 वर्ष पूर्व का रेशो बन गया है आपका। तो इसका मतलब 5 वर्ष पूर्व का रेशो ये है, तो ये जो विनय की आयु आज प्रेजेंट की है 17, इसमें से 5 माइनस कर देंगे तो 5 वर्ष पूर्व विनय की आयु कितनी थी 12, और इसका रेशो कितना था 1, तो 1 के बराबर आपको 12 मिल गया। तो आपको प्रेजेंट की आयु और चाहे 5 वर्ष की आयु चाहे जब की भी पूछे तब की निकाल लेंगे, क्योंकि आपको पता चल गया 12 के इक्वल 1 रेशो है, तो 12 को आप 1 से डिवाइड कर देंगे। पूछा है विकास की आयु वर्तमान में, तो इसमें 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 की मल्टीप्लाई क्या कितना आ गया 36, और ये 36 जो है ये 5 वर्ष पूर्व का आया है तो इसमें 5 प्लस भी कर देंगे। ठीक है, 5 प्लस करेंगे तो कितना होगा 41, तो वर्तमान में विकास की आयु कितनी होगी 41, यही आपका सही राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। जो पूरा क्वेश्चन है इस पे डिपेंड करता है, जो अगर आपने ये सीख लिया तो इजीली सोल्व कर लेंगे, अगर ये समझ में नहीं आया तो मुझे बता दीजिएगा, दोबारा से फिर कवर करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 4:1 है तथा इनकी आयु का गुणनफल 196 है, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अब गुणनफल दिया गया है 196, तो पूरा क्वेश्चन यहीं से बन जाएगा आपका। देखिए इनकी पुत्र और उसके जो है एक व्यक्ति और उसके पुत्र की जो आयु का रेशो दे रखा है वर्तमान में 4:1 दे रखा है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि उसकी जो व्यक्ति है उसकी आयु 4x हो जाएगी और पुत्र की आयु x हो जाएगी, तो इन दोनों की जो गुणनफल है वो 196 है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई किसके इक्वल हो जाएगी 196 के, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों की आपने मल्टीप्लाई की तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x² इक्वल किसके हो जाएगा 196 के, तो x² बराबर 196 डिवाइड बाई 4। ठीक है, x का स्क्वायर किसके इक्वल बचेगा 4 से जाएगा 49 टाइम, तो x की वैल्यू आपकी 7 आ जाएगी, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बन गया। तो x की वैल्यू अगर आपको 7 मिल गई है तो यहाँ पे आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, 7 चौक 28, तो फादर की यानी कि फादर मान लीजिए जो व्यक्ति है, तो ये फादर की आयु हो जाएगी 28, और यहाँ पे x की 7 में करेंगे तो ये तो x की वैल्यू हमें मिली है 7, तो सन की 7 हो जाएगी। अब पूछा है इनकी आयु 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 5 वर्ष बाद पूछा है, तो दोनों में 5 5 प्लस कर दीजिए, क्योंकि ये जो आयु निकल के आई है तो वर्तमान की निकल के आई है, तो 28 में 5 प्लस करेंगे 33 और 7 में 5 प्लस करेंगे 12, तो कितना हो जाएगा 11:4 का आपका हो जाएगा ये रेशो। ठीक है, अगर यहाँ पे आयु पूछी जाती तो बस यहीं तक रुक जाते, अगर आयु नहीं पूछी गई है तो यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, ये 3 से जाएगा 4 टाइम और ये जाएगा 11 टाइम। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ए 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर अपने घर से स्कूल 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो स्कूल का समय से 5 मिनट पहले स्कूल पहुंच जाता है। उसके घर से उसकी स्कूल की दूरी क्या होगी? भैया ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में पूछा जा चुका है आज तक, तो इसको देख लेते हैं। इसमें 3 कंडीशन बनती है, यहाँ पर जो कंडीशन है वो पहले वाली है। पहले वाली कंडीशन से ही मैं आपको तीनों कंडीशन बता दूंगा, एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक को याद भी नहीं करना, बस समझना है थोड़ा सा, आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक जो ए एक व्यक्ति है जो कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने घर से स्कूल जाता है। जब वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वो 5 मिनट देरी से पहुँचता है। उसके बाद यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा कर दे, 3 से बढ़ा के उसने 4 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी चाल की, अब वो 5 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, यानी कि जिस टाइम पे उसे पहुंचना था उससे 5 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। उसके घर से उसके स्कूल की दूरी क्या होगी ये आपको बताना है, ठीक है? तो जब भी कंडीशन यहाँ पे ये वाली होगी, आपको ट्रिक मैं सबसे पहले बता देता हूँ। ट्रिक में लिखा है डी निकालने के लिए, यानी कि डिस्टेंस निकालने के, डेल्टा टी इंटू एस वन इंटू एस टू और अपॉन में एस वन माइनस एस टू हो जाएगा। तो डेल्टा टी यहाँ पे क्या रहेगा ये आपको बताना है। देखिए डेल्टा टी का मतलब है चेंज इन टाइम। तो चेंज इन टाइम कैसे निकालेंगे? अगर यहाँ पे एक तरफ तो उसे देरी होती थी और एक तरफ वो जल्दी पहुँच जा रहा है, तो देरी प्लस जल्दी दोनों को प्लस कर देंगे। अगर वो दोनों साइड से देर देर हो रहा है, यानी कि वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और वो 5 मिनट से देर पहुँचता है, अगर उसने अपनी स्पीड बढ़ा के 4 किलोमीटर प्रति घंटा की और अभी भी वो 2 या 1 मिनट से देर पहुंचता है, तो दोनों साइड में देर हो गई ना, तो देर वाली कंडीशन में दोनों में माइनस कर देंगे और जल्दी वाली कंडीशन में दोनों में भी उनमें भी माइनस कर देंगे। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा चीज़ें जो मैं आपको समझा रहा हूँ। भाई अगर दोनों तरफ से देर देर है तो माइनस करना है, अगर दोनों तरफ जल्दी जल्दी पहुँच रहा है तब भी माइनस करना है, अगर एक तरफ देर है एक तरफ जल्दी है तो दोनों को प्लस कर देना है। तो बस यही आपका चेंज इन टाइम होता है, ठीक है? यहाँ पर जो रखा जाएगा ये ऐसे निकलेगा, इस चीज़ को ध्यान रखिए। स्पीड तो आपको पता ही है, 2 स्पीड होगी, एक तो पहले वाली जिसमें 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाते हैं, एक दूसरे वाली जिसमें 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाते हैं। दोनों की मल्टीप्लाई करनी है एक बार, और एक बार दोनों का डिफरेंस लेना है। ऊपर ऊपर तो उसकी लिख लिया मल्टीप्लाई करके, और एक बार उन दोनों चाल का डिफरेंस लेकर डिवाइड कर देना है, ठीक है? तो यहाँ पे चेंज इन टाइम कितना हो जाएगा, 5 और 5 दोनों को प्लस कर देंगे। स्पीड 1 3 किलोमीटर प्रति घंटा, स्पीड 2 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो रख लीजिए पूरे के पूरे इसमें ट्रिक में। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 10 अपॉन में, देखिए हाँ ये 10 अपॉन में 60 क्यों लिखा है मैंने, यहाँ पे लिखा है 60 से हम डिवाइड करेंगे 10 को, क्योंकि 10 मिनट है, तो मिनट को हमें घंटे में बदलना पड़ेगा, क्योंकि मिनट कहीं पे भी नहीं लिया जाता। या तो आप क्वेश्चन को सेकंड में करते हैं या घंटों में करते हैं, तो अगर आपको कहीं पे भी टाइम मिनट में लिखा हुआ मिलता है तो उसको घंटों में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो 10 को आपने 60 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई की 3 इंटू 4, ये दोनों स्पीड होगी आपकी, और 3 और 4 का डिफरेंस लेंगे तो 1 ही आएगा, तो ये आपका टाइम डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है? 60 ये जाएगा कितनी बार, 1/6 हो जाएगा। यहाँ पे 1 इंटू 3 की और 4 में करेंगे, 4 3 12 और अपॉन में यहाँ पे 1 है तो 6 इंटू 1 हो जाएगा, ठीक है? तो 12 अपॉन में 6 हो गया, तो 6 दुनी 12 ये आपका 2 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है? यानी कि डिस्टेंस कितनी है उसके घर से स्कूल की, 2 किलोमीटर, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में आ रहा है ना तो एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको मैक्सिमम स्टूडेंट को समझ में आ रहा है, ठीक है? अगर जिसको समझ में नहीं आता वो कमेंट कर दे कि सर समझ में नहीं आया, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है आपका, एक कार में पेट्रोल की औसत खपत प्रथम 7 महीनों में 110 लीटर प्रति माह थी, तथा अगले 5 महीनों में यह खपत 86 लीटर प्रति माह थी, पूरे वर्ष में पेट्रोल की औसत खपत प्रति माह कितनी थी, यह आपको बताना है। कुल 12 महीने की खपत सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। भाई सबसे पहले यहाँ पे बोला जा रहा है कि 7 महीनों में 110 लीटर प्रति माह की खपत थी, तो 110 × 7 करेंगे तो 770 लीटर, यानी कि 770 लीटर ये 7 महीने में लग चुका होगा। फिर यहाँ पे बताया गया कि नेक्स्ट 5 महीनों में जो खपत थी वो 86 लीटर प्रति माह थी, यानी कि 86 × 5 में करेंगे तो 5 महीनों की कुल खपत कितनी आ गई, 430 लीटर ये हो गई। तो टोटल लीटर कितने हो गए, 770 और 430, यानी कि 1200 लीटर की खपत हुई है पूरे 12 महीनों में, यानी कि 1 साल में। तो औसत खपत पूछी है, तो पूरे साल की औसत खपत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1200 को 12 से भाग कर देंगे, यानी कि औसत खपत कितनी आ गई, 100 लीटर प्रति माह आ गई। तो सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी, ठीक है? आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। बस
चलिए एक क्वेश्चन देखें, यहाँ पे लिखा है एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी का आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष आधा 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, उसकी औसत चाल कितनी होगी। अब देखें यहाँ पे उसने सेम डिस्टेंस को दो अलग अलग चाल से कवर किया है, भाई समझिएगा यहाँ पे ध्यान से, दो अलग अलग चाल से कवर किया है सेम डिस्टेंस को। ये सेम डिस्टेंस क्यों बोल रहा हूँ मैं, अभी समझिए इस चीज़ को। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी का आधा भाग, कोई निश्चित दूरी है, मान लीजिए ये डिस्टेंस है, कोई निश्चित दूरी है, उसका आधा भाग तो ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और उसका शेष आधा भाग 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कवर करता है। यानी कि जब मैं इसको मान लीजिए 10 किलोमीटर होगी, कोई भी निश्चित दूरी है 10 किलोमीटर होगी, यानी कि वो 5 किलोमीटर तो चलता है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और अगले 5 किलोमीटर चलता है 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो इससे मुझे पता चलता है कि उसने सेम डिस्टेंस को, 5 ही तो किलोमीटर चल रहा है, दो अलग अलग चाल से कवर किया है, उसकी औसत चाल कितनी होगी। तो जब ये वाली कंडीशन होती है, जब दो सेम डिस्टेंस को दो अलग अलग चाल से कवर किया जाता है, तो आपको ये ट्रिक याद रखनी है, 2xy/x + y, बहुत ही सिंपल है। यानी कि एक बार तो उन तीनों दोनों की मल्टीप्लाई करनी है और एक बार उन दोनों को प्लस करके डिवाइड कर देना है। और जब मल्टीप्लाई करेंगे ध्यान रखिएगा ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि 2 सेम डिस्टेंस को कवर कर रहा है, 2 सेम डिस्टेंस तो सेम है, ये आधा भाग कवर कर रहा है बट 2 अलग अलग चाल से कवर कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे करेंगे 2 × 6 × 3/6+3, भाई समझ में आ रहा है ना, कोई स्पीड तो ज़्यादा नहीं चल रही है ना मेरी। तो यहाँ पे इन सभी की मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 × 12, 12 × 36, तो यहाँ पे 36/9 हो जाएंगे, 6 × 3 9, तो 36 को 9 से भाग करेंगे तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए एक दूसरी कंडीशन भी आपको यहीं पे बता देता हूँ, ये हो गया जब सेम डिस्टेंस को दो अलग अलग चाल से कवर किया जा रहा है, और एक होता है आपका दो अलग अलग डिस्टेंस को दो अलग अग अलग चाल से कवर किया जाता है, यानी कि ये 10 किलोमीटर की होती और ये 15 किलोमीटर होती, तो ये दो, एक तो 10 किलोमीटर की चाल, सॉरी 10 किलोमीटर की दूरी को ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा से कवर करता और एक 15 किलोमीटर की दूरी को 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कवर करता। तो उस कंडीशन में औसत चाल कैसे निकालते, उसमें आपको निकालना था टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ठीक है। यानी कि जितने जो टोटल डिस्टेंस होगी, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 10 और 15 कितनी हो जाएगी, 25, तो टोटल डिस्टेंस तो आपकी 25 आ जाती। टोटल टाइम कैसे निकालते, 3 से 15 को भाग करते तो ये आपका आ जाता, और ये 10 को 6 से भाग करते ये आपका टाइम आ जाता, दोनों को प्लस करते टोटल टाइम यहाँ पे लिख देते। वो कंडीशन तब होती जब दो अलग अलग दूरी को दो अलग अलग चाल से कवर किया जाता है, ठीक है। और ये वाली कंडीशन तब लगेगी जब सेम दूरी को दो अलग अलग चाल से कवर किया जाता है। भाई दोस्तों समझ में आ रहा है ना, आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा अगर मैं इसी तरीके से आपको समझाता रहा, सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक कक्षा के छात्रों का औसत प्राप्त अंक 68 है, यानी कि पूरे कक्षा के छात्रों का औसत प्राप्त अंक कितने, 68 है। इनमें लड़कों का औसत प्राप्त अंक 60 है और लड़कियों का औसत प्राप्त अंक आपका 80 है, ठीक है। कक्षा में कितने प्रतिशत लड़के हैं ये आपको बताना है। यहाँ पे भी आपको 3 वैल्यू मिल गई है, एक तो औसत यानी कि लड़के लड़कियों का औसत प्राप्त अंक और एक उनका सेपरेट अंक, यानी कि लड़कों का अलग और लड़कियों का अलग। तो आप यहाँ पे ये मिक्सचर एलिगेशन वाला जो रूल है इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक साइड में हम बॉयज़ लिखेंगे, एक साइड में गर्ल, तो बॉयज़ का कितना है 60 और गर्ल्स का है 80, और इन दोनों का जो औसत है वो आप 68 बीच में रख लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, आपका 8 आएगा और इन दोनों का डिफरेंस आपका 12 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों का रेशियो बना लेना है, ठीक है। तो 4 × 8 और 4 × 3 = 12, तो 3 और 2 का आपका रेशियो बन गया, ठीक है। 3 और 2 का आपका रेशो बन गया। पूछा क्या है, कक्षा में कितने प्रतिशत लड़के हैं, तो आपको यहाँ पे पूरा इनका लड़कों का मतलब संख्या नहीं निकालनी है, बस यहाँ पे आपको पता चलेगा गर्ल्स का रेशो 2 है और बॉयज़ का रेशो 3 है, ठीक है। पूछा है बॉयज़ की प्रतिशत कितनी है, तो बॉयज़ कितने 3 और कितनों में, टोटल में 5, यानी कि टोटल कितना है 3 और 2 5, 5 में से 3 आपके बॉयज़ हैं, ठीक है। अब बस आप इसमें 100 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आ जाएगा 5 से जाएगा 120 टाइम, और 20 की 3 में करेंगे तो 60 हो जाएगा, 60% आपके बॉयज़ हैं और बची 40% गर्ल्स हो जाएंगी। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे आपको बॉयज़ की संख्या नहीं निकालनी थी, बस जो रेशियो आप बना है आपका उस रेशियो से क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है ये आपका, जो डिफरेंस वाला होता है, ठीक है। एसआई और सीआई का डिफरेंस जब क्वेश्चन में आपको दे दिया जाता है या क्वेश्चन में निकालने को दे दिया जाता है, तब कैसे करना होता है। जैसे प्रिंसिपल अमाउंट आपकी दे दी 15,000, रेट दे दिया 12% और टाइम दे दिया 2 साल का। पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीआई और एसआई। देखिए अब यहाँ पे कंडीशन तीन चार बन सकती है। एक तो आपसे यही पूछ लिया कि डिफरेंस क्या होगा, तब भी आपको यही अप्लाई करना है। कभी कभी टाइम पूछ लिया जाता है तब भी आपको यही अप्लाई करना है। कभी कभी रेट पूछ लिया जाता है तब भी, अगर कभी कभी प्रिंसिपल पूछ लिया तब भी आपको यही अप्लाई करना है। बट अभी यहाँ पे पूछा है डिफरेंस क्या होगा सी आई और एस आई का। डाटा आपको दिया है प्रिंसिपल 15,000, रेट 12% और टाइम 2 साल का। तो बिल्कुल आप इसको लिख सकते हैं सी आई माइनस एस आई, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस, और पी आर अपॉन में 100 का स्क्वायर। अगर 2 साल का है तो यहाँ पे स्क्वायर करना है, 3 साल का होगा तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताऊंगा, ठीक है भाई। वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, अगर अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बस इसमें आपको पुट करनी है सारी वैल्यूज। तो प्रिंसिपल आपकी 15,000 है, आपने यहाँ पे रख दिया। रेट आपका कितना है 12% है, देखिए ये रहा 12%, तो यहाँ पे आपने रेट 12% लिख दिया। और ये जो है 2 साल का है तो आपने यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया। अब इसको सोल्व कर लेंगे। अब देखिए 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, और 100 कितना हो जाएगा 10,000। यहाँ से 3 जीरो से, तो 3 जीरो आपकी ये कट जाएंगी, ठीक है। अब इसको देखिए, आपको ये करना है बस सीधा सीधा, नीचे कितना बचा है 10, तो ये 1 जीरो हटाएंगे तो ऊपर पॉइंट लगा लेंगे, तो 14.4 ही हो गया। 14.4 की 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आ गया। यानी कि एसआई और सीआई का जो डिफरेंस है 2 साल का, वो 216 हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बाकी ये क्वेश्चन अभी आ चुका है आपके एग्जाम में, एसआई में भी आया है और कांस्टेबल में भी आया है। इससे पहले जो एग्जाम हुआ था यूपी पुलिस का, उसमें भी आया था, और आगे यूपी पुलिस में फिर दोबारा से पूछा जा सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर देख के चलिए, ठीक है। अभी इसका मैं बताता हूँ आपको 3 साल का, और 3 साल से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं आएगा, गारंटी के साथ में लिख के देता हूँ, ठीक है। प्रिंसिपल है यहाँ पे 18,000, और रेट दे रखा है 15%, टाइम दे रखा है 3 साल का। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एसआई एंड सीआई एंड एसआई। तो अब की बार आपको एक चीज़ ऐड करनी है, यहाँ तक तो आपको याद हो ही गया होगा, ऊपर देख लिया आपने। अब इसमें आपको एक चीज़ एक्स्ट्रा करनी है, 300 प्लस आर अपॉन में 100। 300 जब भी 3 साल की बात की जाए तो 300 प्लस कर देना है, सेम इसी फॉर्मूले में बस 300 प्लस करके लिख देना है, 300 प्लस आर अपॉन में 100, ठीक है। तो अब इसको देख लेते हैं, सारी चीज़ों को पुट कर देते हैं। प्रिंसिपल आपका 18,000 है, आपने 18,000 यहाँ पे लिख दिया, और रेट आपका 15% है, ये आपने लिख दिया। और यहाँ पे भी आप इसको ऐसे ही करेंगे, स्क्वायर और 300 प्लस फिर 15% अपॉन में 100, ये आपने इतना कर लिया, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। जैसे इसका मैं स्क्वायर करूँगा 225 अपॉन में 10,000, 3 जीरो से, तो 3 जीरो ये कट जाएगी, ठीक है। और ये कट जाएगा 2 से 5 बार, ये कट जाएगा 9 बार, और ये और किससे कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका, ये 5 से कट जाएगा 45 बार, और ये फिर आपका और किससे कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका, ठीक है भाई, 5 से ये कट जाएगा 20 बार, ये कट जाएगा 63 टाइम, फिर 5 चौक 20 और 5 9 45, ठीक है। तो ये मतलब पूरा कटने के बाद में आपके पास क्या बचेगा, 9 × 9, और नीचे आपका क्या बचेगा, ये 4 बचेगा, बाकी ऊपर आपका कितना बचेगा, ये 63 बचेगा। तो 9 × 9 = 81, और ये 63 है, ये हम लिख लेंगे यहाँ पे, और अपॉन में 4, और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 81 की और 63 में, 5103 और 4 से भाग कर देंगे, तो आपका ये निकल के आ जाएगा 1275.75। ये आपका राइट आंसर हो गया, यानी कि एसआई और सीआई का जो डिफरेंस है वो 1275.75 है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 3 साल में आपको क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया, ट्रिक को नोट कर लीजिए। ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको बस इतना याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है ये भी बहुत बार पूछा जाता है। इसमें बोला गया 2 बर्तनों ए तथा बी में दूध और पानी का अनुपात क्रम 4 और 3 तथा 2 और 3 है। इन दोनों बर्तनों से मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाकर बर्तन सी में डालें कि इनमें बने मिश्रण का आधा दूध और आधा पानी हो। यानी कि देखिए 2 बर्तन है आपके पास, ए और बी, ए बर्तन ये हो गया, बी बर्तन ये हो गया। इसमें जो अनुपात है दूध और पानी का वो है पहले बर्तन में 4 और 3 का, और दूसरे वाले में 2 और 3 का, ये आपने लिख लिया। अब बोला जा रहा है कि इन दोनों बर्तनों में से एक तीसरे बर्तन में जब निकाला जाए दूध और पानी, तो किस अनुपात में मिलाया जाए कि जो तीसरे बर्तन में दूध और पानी का रेशो रहे वो आधा आधा हो जाए, यानी कि 1:1 का रेशो बन जाए, ठीक है। तो आपका जो तीसरे वाला बर्तन होगा उसमें मिल्क और वाटर क्या होना चाहिए, 1:1 में होना चाहिए, ठीक है।
तो इनका रेशो हमें 1:1 चाहिए, और ए बर्तन में ये है और बी बर्तन में ये है। तो इसको करने का भी भाई फॉर्मूला यही है आपका, सीधा सीधा से कॉन्सेप्ट मिक्सचर एलिगेशन का। ये रूल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सीख लीजिए अगर नहीं पता है, अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अब यहाँ पे हमें क्या करना है, देखिए किसी भी एक को ले लीजिए, या तो आप इस क्वेश्चन को पूरे के पूरे को मिल्क मान के कर लीजिए या वाटर मान के कर लीजिए। जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें दो दो क्वांटिटी होती है और तीन बर्तन आपके पास मिल गए, तो उसमें आपको क्या करना है, या तो मिल्क लेके पूरे के पूरे इसमें से भी मिल्क लीजिए, इसमें से भी और इसमें से भी मिल्क का रेशो, और उस क्वेश्चन को कर लीजिए, आंसर तब भी सेम आएगा। अगर इस रेशो में आप वाटर निकाल के वाटर निकाल के वाटर निकाल के क्वेश्चन को करते हैं तब भी आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो अभी इसमें देखिए, जैसे मिल्क निकाल रहा हूँ मैं, तो इस पहले वाले बर्तन में मिल्क का रेशो क्या होगा, 4 और 3 7, यानी कि 7 में से 4 मिल्क है, ठीक है। फिर यहाँ पे इस दूसरे वाले बर्तन में 3 और 2 5, यानी कि 5 में से 2 मिल्क है, ये आपने लिख लिया। फिर जो बीच वाला बर्तन है इसमें से क्या निकालना है आपको, मिल्क का रेशो, तो 1+1 2, 2 में से 1 मिल्क है। अब इनको कर लीजिए आप माइनस एक दूसरे में से, तो इसमें से इसमें जाएगा तो ये 1/14 बचेगा, क्योंकि 7 और 2 LCM आ जाएगा 14, ठीक है। और इसमें से ये इसको माइनस करेंगे 1/10 बचेगा, तो यहाँ पे 1/10 और 1/40 का एलसीएम लेके इनका रेशियो बना लेंगे। तो 1/10 और 1/40 में से एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 140। 140 में 14:10 का रेशियो बन गया। 14:10 के रेशियो में भी आप क्या करेंगे, 2 से कट कर लेंगे, 7 टाइम जाएगा, ये भी 5 टाइम, तो यानी कि 7:5 का आपका रेशियो बन गया। तो इस रेशियो में अगर आप मिलाते हैं दूध और पानी को इन दोनों बर्तनों में से, तो आपका जो तीसरा बर्तन में दूध और पानी का रेशो बनेगा वो 1:1 का बनेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। अब आप इसी क्वेश्चन को मेरे बोलने पर एक ट्राई करके देखिए कि इसमें अब की बार वोटर से लीजिए, ठीक है। यानी कि आप कैसे करेंगे, 3/7 और यहाँ पे 3/5 और यहाँ पे बीच में 1/2 रखना है। क्वेश्चन को करके देखिए, आंसर तभी भी आपका यही आएगा, 7:5, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है कि एक साइकिल सवार एक निश्चित दूरी का आधा 6 किलोमीटर प्रति घंटा शेष आधा 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर फुल 11 घंटे का कुल हो गए, कुल 11 घंटे का समय लेता है, वह दूरी कितनी है। तो ये आपको बतानी है कि वह दूरी कितनी है, यानी कि देखिए एक साइकिल सवार है, वो चला अपने घर से, कुछ निश्चित दूरी को उसने तय करना है, और उस निश्चित दूरी में वो आधा भाग तो कर रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा से कवर, और उसका आधा भाग 5 किलोमीटर प्रति घंटा से कवर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या मानेंगे, पूरी डिस्टेंस होगी 2x, पूरी डिस्टेंस को हमने मान लिया 2x, तो 2x में से आधा यानी कि x तो कर रहा है कवर 6 किलोमीटर प्रति घंटा से, और आधा x कर रहा है यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, इन दोनों का आपको पता है कि जब वो पूरी की पूरी डिस्टेंस को कवर करता है दो अलग अलग चाल से, टोटल टाइम 11 घंटे का ले रहा है, ठीक है, पर यही तो कर रहा है ना वो, तो हमें पता है घंटे हमें पता है, यानी कि समय हमें पता है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। अब दूरी बटे चाल आपको निकालना है, तो दूरी आपने x मान ली, तो आपको क्या करना है, दो जगह, एक तो ये वाली कवर कर रहा है, एक ये वाली, तो आप इसका अगर टाइम निकालेंगे तो क्या करेंगे, 6x को 6 से भाग कर देंगे, तो एक तो ये टाइम प्लस, और x को 5 से भाग कर देंगे तो एक ये टाइम, ठीक है। यानी कि समय निकालने के लिए दूरी बटे चाल का हम यूज़ करते हैं ना, तो दूरी बटे चाल कितनी हो जाएगी, x अपॉन में 6 प्लस x अपॉन में 5, किसके इक्वल हो जाएगा, 11 के, क्योंकि 11 घंटे टोटल टाइम ले रहा है। तो बस अब यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लीजिए, 6 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30, और इनका हम ले लेंगे यहाँ पे फिर एलसीएम लेने के बाद में 5x+6x यानी कि 11x। तो यहाँ पे अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इस तरीके से, तो 11x 11 मल्टीप्लाई 30 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 11x। तो अब इसको आप 11 से 11 कट कर देंगे ऐसे, तो एक्स की वैल्यू आपकी 30 बच जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस जो आपकी निकल के आएगी, ये एक्स की वैल्यू जो निकल के आए ना, आपको ऑप्शन में मिलेगा 30 भी ऑप्शन और 60 भी मिलेगा। बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में 30 लगा सकते हैं, बट ये पूरी डिस्टेंस नहीं है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो एक्स मैंने माना है, ये वैल्यू मिली है आधी डिस्टेंस, यानी कि x का मतलब है आधी डिस्टेंस मिली है, तो पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस पूछा है तो 30+30 यानी कि 60 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। आपको ज़्यादा स्पीड नहीं लग रही है ना, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दिया करें, मैं 1 घंटे की वीडियो को 30-35-45 मिनट तक ही कवर करने की कोशिश करता हूँ, बिल्कुल चीज़ों को मतलब पॉइंट टू पॉइंट बता के, आपको अच्छे तरीके से समझा के, कम टाइम खर्च होकर अच्छे ज़्यादा क्वेश्चन कवर कराने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है दो एक
150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। एक सवारी ट्रेन जिसकी लंबाई 100 मीटर है, जिस पर एक व्यक्ति बैठा है, 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से समान दिशा में जा रही है। सवारी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को मालगाड़ी कितने सेकंड में पार कर जाएगी, ये आपसे पूछा है। देखिए मैं आपको विजुलाइज करके थोड़ा समझा देता हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन में चीज़ें बोली जा रही हैं। भाई एक ट्रेन है यहाँ पे मालगाड़ी की, जिसकी लंबाई है 150 मीटर और उसकी चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। एक दूसरी पैसेंजर ट्रेन है जिसकी लंबाई 100 मीटर है और उसकी चाल है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो इस पैसेंजर ट्रेन है, जो ये इस ट्रेन में एक व्यक्ति बैठा है, उस व्यक्ति को ये जो मालगाड़ी वाली ट्रेन है ये कितनी देर में पार कर जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, मैं दोबारा से बता देता हूँ। इसमें इस ट्रेन में बैठे व्यक्ति की बात की जा रही है, इस पूरी ट्रेन की बात नहीं की जा रही है। तो क्वेश्चन कंप्लीटली चेंज हो चुका है। जब भी एक ट्रेन में बैठे व्यक्ति को क्रॉस करने की बात की जाती है, तो जो ट्रेन उस व्यक्ति को क्रॉस करती है सिर्फ उसकी लंबाई लेते हैं। दोबारा से बोल देता हूँ, जब कोई ट्रेन किसी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को क्रॉस करने की बात की जाती है, तो उस ट्रेन की लंबाई लेते हैं जो ट्रेन उस व्यक्ति को क्रॉस करती है। ठीक है, यानी कि अगर इस ट्रेन में बैठे व्यक्ति को क्रॉस करने की बात की जा रही है इस ट्रेन के द्वारा, तो इस ट्रेन की लंबाई लेंगे और यहाँ पे दोनों की चाल लेंगे, चाल का जो रिलेटिव स्पीड है वो लेंगे। अब जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है, ये भी इस डायरेक्शन में जा रही है, ये भी इस डायरेक्शन में जा रही है, तो मैंने आपको बताया है कि जब दो मूविंग ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, दोनों की चाल का अंतर लेते हैं, यानी कि डिफरेंस लेते हैं, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 54 और 18 कितना हो जाएगा, 36। तो 36 को अब 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जहाँ पर लेंथ दे रखी है ये 150 मीटर दे रखी है, 100 मीटर दे रखी है, तो इनकी चाल को हमें मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। दूसरी बात, ठीक है, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा को जब मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधा से बात है। तो जब 36 की मल्टीप्लाई 5/18 में करेंगे तो 18 से 36 जाएगा 2 बार, 2 की 5 में करेंगे तो 10 मीटर पर सेकंड आपका आ गया। अब दोस्तों समझ में आई ना आपको ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ? तो यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई किसकी लेंगे, जो ट्रेन जिसमें दूसरी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को क्रॉस करेगी उस ट्रेन की लंबाई लेनी है। ठीक है, तो समय आपका आ जाएगा, ट्रेन की लंबाई कितनी, 150 मीटर, और इसकी जो चाल निकल के आई है दोनों ट्रेन की वो 10 मीटर पर सेकंड है, तो 150 को 10 से भाग कर देंगे, 15 सेकंड आपका सही उत्तर आ जाएगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। दोबारा से एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, अगर यहाँ पे ये बात की जाती इस व्यक्ति की नहीं पूरी ट्रेन की, मान लीजिए ये पूछा जाता कि जो मालगाड़ी वाली ट्रेन है ये पैसेंजर ट्रेन को कितनी देर में पार कर जाएगी, तो यहाँ पे उस कंडीशन में दोनों ट्रेन की लंबाई को प्लस किया जाता। ठीक है, बट जब बात की जाती है पैसेंजर ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति को कितनी देर में ये मालगाड़ी वाली ट्रेन कितनी देर में पार कर जाएगी, तो बैठे व्यक्ति की अगर बात की जा रही है तो व्यक्ति की तो कोई लंबाई नहीं होती है। ठीक है, अगर व्यक्ति की लंबाई नहीं होती है तो सिर्फ केवल हम इसकी लंबाई लेंगे जो ट्रेन क्रॉस करके जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये कंडीशन समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए, और एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा कि और कहां से भी आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है, एक टंकी की तली में छेद होने के कारण भरी टंकी 6 घंटे में खाली हो जाती है। इसमें लगा एक पाइप 4 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी में पानी भरता है। टंकी भरी होने पर यह पाइप भी खोल दिया जाता है, परंतु तली में बने छेद के कारण टंकी 8 घंटे में खाली हो जाती है। टंकी की धारिता यानी कि कैपेसिटी कितनी है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसमें आपको वही कंडीशन अप्लाई करनी है जो टाइम एंड वर्क में हम करते हैं। तो एक टंकी भरी हुई टंकी को 6 घंटे में खाली कर जाती है, ठीक है, तो -6 मैंने लिख लिया। ठीक है, दूसरी बोला, इसमें लगा एक पाइप 4 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी में पानी भरता है। तो एक इसमें भरने वाला पाइप भी लगा दिया गया, टंकी भरी होने पर यह पाइप भी खोल दिया जाता है, परंतु तली में छेद होने के कारण यह टंकी 8 घंटे में खाली हो जाती है। अब एक पाइप जो खोला गया है ए तो पहले खाली करने वाला हो गया, बी जो पाइप खोला गया है भरने वाला, उसकी वजह से अब ये 8 घंटे में खाली होना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, खाली ये पहले भी होती थी, खाली अभी भी हो रही है, बट अभी थोड़ा लेट खाली हो रही है। क्यों हो रही है लेट खाली, क्योंकि अभी इसमें पानी भी भरना स्टार्ट हो गया ना थोड़ा थोड़ा, तो उसकी वजह से थोड़ा टाइम लगता है इसको खाली होने में।
तो इसकी कैपेसिटी पूछी गई है। तो ये ए पाइप का काम हो गया, ये ए प्लस बी पाइप का काम हो गया, दोनों कैल्शियम लेंगे 24। तो ये आपका जो 24 आया ये टोटल कैपेसिटी आ गई इस टैंक की, बट ये एक्चुअल कैपेसिटी नहीं है, आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। तो अभी कैपेसिटी निकालनी है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 24 को 6 से भाग करेंगे तो ए का आपका 4 आ गया, 24 को 8 से भाग करेंगे तो यहाँ ए और बी का दोनों का काम 3 आ गया, यानी कि ये 4 यूनिट खाली होता है, ठीक है, ये 4 यूनिट खाली हो जाता है ए पाइप के द्वारा, और ये ए और बी दोनों मिलके 3 यूनिट पानी खाली कर पाते हैं, क्योंकि इसमें बी एक भरने वाला पाइप भी है। तो ओवरऑल जो पानी मतलब खाली हो भरने वाला पाइप है वो 1 यूनिट पानी भरता है प्रति मिनट में, और बाकी का जो बचा हुआ पानी है वो खाली होता रहता है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम निकालेंगे कि इसको अगर पानी को बोला जाएगा कितने टाइम में भरा जाएगा, तो ये 24 को हम एक से भाग कर देंगे, 24 घंटे में भर जाएगा, ठीक है। अगर भरने वाले पाइप से भराया जाए तो 24 घंटे लगेंगे इसको भरने में, बट यहाँ पे दिया गया है कि एक घंटे में ये 4 लीटर भरता है, इनमें लगे पाइप 4 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी भरता है, तो एक मिनट में ये 4 लीटर पानी भरता है, इसका मतलब क्या हो गया, एक मिनट बराबर 4 लीटर हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे हमें एक यूनिट एक घंटे का हमने निकाला था, तो अब यहाँ पे हम निकालेंगे कि एक घंटे में कितना भरेगा, 60 गुना 4 कर देंगे, क्योंकि एक मिनट की 4 लीटर है तो 440 यूनिट ये भर सकता है एक घंटे में। अब 24 घंटे में भरता है ये पानी को, इसका मतलब टंकी की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 240 यूनिट गुना 24 कर देंगे तो ये आपका 5760 यूनिट हो जाएगा, यानी कि जो उस टंकी की कैपेसिटी है वो 5760 यूनिट है। दोस्तों समझ में आ गया, ये पूरा अगर भराया जाए तो 24 घंटे लगेंगे, एक मिनट में 4 लीटर पानी भरता है, एक घंटे में कितना बनेगा, 60 गुना 4 कर देंगे 240, और 240 की अगर मैं 24 में मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि एक घंटे में 240 यूनिट पानी भरा जा रहा है, तो 24 घंटे में कितना भरा जाएगा, 5760, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है।